वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास टेंथ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों आप लोग केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है हमारा। ये उस चीज़ की शायद सेवन्थ या सिक्स्थ वीडियो है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी और बॉन्ड बता रहा हूँ। जैसे आपको बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, कार्बन के फोर बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, और नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड, सल्फर के दो बॉन्ड, और हैलोजन मीन्स एफ CL, BR और I, इन सभी का वन बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, वो चाहे तो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो या डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, एग्जांपल यहाँ समझिए। एग्जांपल में तो एग्जांपल लिया बच्चों मैंने आपके सामने, सब नोट नंबर वन, CH4 मैंने कल भी कराया था आपको। ठीक, यहाँ पर दो एलिमेंट है आपके पास में, पहला है कार्बन और दूसरा है बच्चों आपका हाइड्रोजन। मैंने कहा कार्बन कितने बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, फोर, और हाइड्रोजन का वन। तो हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक दो तीन चार, और सभी का ऑकेट कंप्लीट हमारा होना चाहिए, और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड। हाँ भाई, कितने हाइड्रोजन है, फोर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्रॉस ले लिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी का ऑकेट एट पर कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का होता है दो पर। तो यहाँ हाइड्रोजन के सर्किल में दो हो गए तो हाइड्रोजन का ऑकेट कंप्लीट, इस सेकंड हाइड्रोजन का भी ऑकेट कंप्लीट, थर्ड हाइड्रोजन का भी ऑकेट कंप्लीट हो गया, और फोर्थ का भी। अब बचा कार्बन, कार्बन के सर्किल में आठ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ बन रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, जितने इलेक्ट्रॉन बोलेगा उतने ही वो देगा। अब कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा भी सबसे, वो सबसे लेगा। तो जब हम कंप्लीट सर्कल बनाया तो देखा हमने इस सर्किल में एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो इसका बॉन्डिंग डायग्राम बनाते हैं, बॉन्डिंग डायग्राम। तो ये था बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, कौन सा था ये, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो अब जो मैं आपको मैं एलिमेंट दूंगा, सभी के इलेक्ट्रॉन डायग्राम और बॉन्डिंग डायग्राम दोनों ही बनाने हैं। तो सर बॉन्डिंग कैसे बनेगा, अभी आपने देखा सी और एच के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वन इलेक्ट्रॉन की, तो कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया एच सी, पर इसके साथ भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, तो यहाँ बन गया बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी ये हो गया बच्चों आपका मेथेन का डायग्राम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा रहा हूँ, वो लिया है बच्चों मैंने आप लोगों के लिए, C2H4। तो यार कार्बन कितने हैं बच्चों, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो मैंने बताया था कार्बन के कितने, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया आपको मैंने, फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के में वन। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, दो। तो एक कार्बन हमने ये लिया, इसका सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, लिख देना ऊपर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बनाइए बच्चों इसको, ये हो गया आपका दो कार्बन, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो एच कितने यहाँ पर, चार। तो सी के आउटर मोस्ट सेल में अब एक सी हमने इधर ले, एच ले लिया,
एक एच इधर। क्यों लिया है? रीजन इसका ये है बच्चों, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंडों में इनमें सिमेट्री पाई जाती है, तो अगर चार हैं तो आधे आधे कर दीजिए, छः होते हैं तीन तीन फर्स्ट कार्बन पर और तीन ही सेकंड कार्बन हमको लेने होते हैं। तो अब हमें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन पास में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने फर्स्ट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन चार हैं और हाइड्रोजन ने अपने ऑर्किड, सारे हाइड्रोजन ने अपने ऑर्किड कंप्लीट कर लिए, दैट्स ओके। अब बचे कार्बन की बात, तो कार्बन के अभी हमें दो ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचे हुए हैं, ये देखा आपने। तो कार्बन के ऑर्किड में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड कार्बन के ले लें तो इसका ऑर्किड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो करिए बच्चों इसको, ये हो गया। अब ऐसे ही अगर शेयरिंग होगी तो ये आपका बन गया। अब बनाते हैं इसका बच्चों बॉन्डिंग डायग्राम, कौन सा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो बच्चे देखिए दो कार्बन और कार्बन जो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना है, और हाइड्रोजन साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक, समझ में आ गया होगा। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद करने हैं बच्चों, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक, इसमें सी एच फोर काट दी करा चुका हूँ मैं, सी टू एच फोर कट कर दीजिए, इसे भी करा चुका हूँ मैं आपको। तो आपको सी टू एच सिक्स, सी टू एच टू और सी थ्री सी एच ओ के बॉन्डिंग डायग्राम, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों ही बनानी है। इसे करिए बच्चों, कल की वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।